वाह, मुझे हो तो विद्या सागर जैसी। लोग देते हैं नौकरी के ऑफर, सेट करने में लगते हैं घंटों। अमिताभ बच्चन की मशहूर फिल्म शराबी का फेमस डायलॉग, मुझे हो तो नत्थू लाल जैसी, वरना ना हो तो आपने सुना ही होगा। लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं जिसके बारे में जानने के बाद आपकी जुबां पर नत्थू लाल का नहीं बल्कि इस शख्स का ही नाम आएगा। ये है कोटा की विद्या शंकर गोचर, जो इन दिनों अपनी मूंछों को लेकर काफी चर्चा में है, क्योंकि लोग इनकी मूंछों को देखकर इन्हें नौकरी पर बुलाते हैं। कोटा ही नहीं, गुजरात, अहमदाबाद, दिल्ली, जयपुर तक नौकरी के लिए इनके पास ऑफर आ चुके हैं। कहते हैं कि शौक जब जुनून बन जाता है तो आदमी कुछ भी कर गुजरता है, और कभी कभी ये जुनून अचंभित करने वाला हो जाता है। ऐसा ही शौक 10 से 12 साल पहले कोटा के विद्या शंकर गोचर को मूंछ बढ़ाने का हुआ। हट्टा कट्टा शरीर, रौबदार चेहरा और चेहरे पर घुमावदार बड़ी बड़ी मूंछें, इसी मूंछ ने उन्हें सबसे अलग बना दिया है। विद्या शंकर गोचर ने बताया है कि 10 से 12 साल हो गए हैं इन मूंछों को रखे हुए। प्रतिदिन मूंछों को सेट करने में घंटों लग जाते हैं। नहाने के बाद मूंछों को सेट करना और फिर सूखने के बाद इसमें नारियल का तेल लगाना और बाद में रुमाल लगाकर सेट करना, ये हर रोज का कार्य है। इसके अलावा हर 7 दिन में हेयर ड्रेसर के पास जाकर इन्हें सेट करवाना और चेहरे पर शेविंग करवाना, जिसके बाद ही ये बड़ी बड़ी मूंछें अलग ही नजर आती है। विद्या शंकर अभी होटल में नौकरी करते हैं। वहाँ पर जो भी कस्टमर आते हैं सब मूंछों की तारीफ करते हैं और अपने मोबाइल में फोटो भी लेते हैं। कई अधिकारी और बिजनेसमैन लोग भी आए जिन्होंने अपने साथ जयपुर, गुजरात, अन्य शहरों में चलने की और नौकरी की बात कही, लेकिन कोटा में ही घर परिवार रहता है इसलिए ये कहीं नहीं गए। भाई के पास तो दाढ़ी बनानी पड़ती है, उन्हें इनका सेट करना पड़ता है, और नहाने के बाद और नाक के बाद करता है, जब गीला बाड़ा में इनको रंगा सेट करना पड़ता है। जब सूख जाती है ना तभी इनके कोबरा का तेल लगता है, कोबरा का तेल लगने के बार बाद ये बढ़िया सेट करके और रुमाल बांधना पड़ता है सर। रुमाल बांधने के बार बाद ये सेट हो जाती है, फिर रुमाल खोल लेता है। इससे हमारे गए पहले तो मुँह गए बाहर जाओ जो अधिकारी लोगों के साथ, क्या इस मूस की तरफ से मेरे को नौकरी मिली है। अभी होटल रॉयल पार्क में तारीफ करते, बहुत जोरदार तारीफ करते, तो आपको देख के हम लोग यहाँ आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आप युवा भी अच्छा है आपका,